राजधानी में कोरोना के नए मामलों में हर दिन उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 28 नए मामले आए हैं, जो पिछले दिन के मुकाबले कम हैं। कई दिनों बाद आज दिल्ली में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं संक्रमण दर पॉजिटिविटी रेट 0.04% दर्ज की गई है। दिल्ली में सितंबर में अब तक संक्रमण के कारण केवल 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं बुधवार को कोरोना के 57 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कुल मामले बढ़कर 14,38,373 पहुंच गए हैं। इनमें से 14.12 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। बताया गया है कि वायरस दिल्ली में 25,084 लोगों की जान ले चुका है। बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में गुरुवार को 72,481 नमूनों की जांच की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को संक्रमण के कारण किसी भी मरीज की मृत्यु होने की पुष्टि नहीं हुई थी। दिल्ली कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और इस साल अप्रैल में एक दिन में सबसे ज्यादा 28,395 मामले आए थे और 3 मई को एक दिन में सबसे ज्यादा 448 मौतें हुई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 16 जनवरी को वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के बाद राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 1,53,36,113 लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। उनके अनुसार 1.09 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दी गई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।